नमस्ते, आज हम पॉपलेट फिश फ्राई बनाने जा रहे हैं। इसे पॉम्फ्रेट भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए स्वाद अनुसार नमक, 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 चम्मच इमली का प्यूरी डालकर हम मिक्स कर लेंगे। इमली के प्यूरी के बदले आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और आखिर में हम 1 चम्मच विन्नी मसाला डाल रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी रहता है। मैं ज़्यादातर फिश फ्राई, चिकन फ्राई में यही मसाला यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पर 1/2 kg पॉपलेट को वॉश करके ले लिया है। अब हम फिश को, हमारी तैयार हुई इस पेस्ट को हम लगा लेंगे। जिसको भी पहली बार फिश ट्राई करना हो तो ये फिश ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए, मैंने यहाँ हर एक पीस को अच्छे से मसाला लगा लिया है। ये अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अभी एक प्लेट में हम थोड़ा रवा लेंगे, थोड़ा चाट मसाला डालकर हम मिक्स कर लेंगे। अब मैरिनेट हुए इस फिश को हम रवा लगाकर फ्राई कर लेंगे। यही रेसिपी आप दूसरे फिश पर भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि सुरमा, तारले, बांगड़ा और सारे वैरायटीज़ भी है। देखिए, मैं यहाँ पर तवा फ्राई कर रही हूँ। आप चाहिए तो शैलो फ्राई भी कर सकते हो। देखिए, ये रेसिपी कितनी आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये अब हमारा पॉपलेट फिश फ्राई बनकर रेडी है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही नई रेसिपी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।